हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण पटवा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में SSC CGL 2020-21 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल और कंप्यूटर से कैसे भरते हैं, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इसमें SSC CGL 2020-21 ऑनलाइन आवेदन तिथि 29 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक है। आवश्यक दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन के समय आपको 10वीं अंक सूची, ग्रेजुएशन स्तर की अंक सूची, आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और वैध ईमेल ID और शुल्क की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो है जनरल OBC RS 100 रुपये एग्जाम फीस है। साथ ही ST SC ओमैन एक्स सर्विसमैन का कोई भी चार्ज नहीं है। इसी के साथ आज का जो है यह वीडियो शुरू करते हैं। यह नोटिफिकेशन SSC की ओर से जारी किया गया है, जिसमें लास्ट डेट और प्रारंभिक डेट का उल्लेख किया गया है। यह नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से देख पाएंगे। यह SSC CGL ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का भर्ती है। इसमें पे स्केल, इस सारी इंफॉर्मेशन इस PDF में आपको मिल जाएगी। SSC CGL से संबंधित आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कैसे करना है यह मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही सर्वर प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन कर लें, क्योंकि SSC का सर्वर जो है लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है, इसलिए अंतिम तिथि से पूर्व सभी लोग फॉर्म भर लें। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप गूगल के सर्च बॉक्स में SSC टाइप करें। SSC टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करें। उसके बाद आपको टॉप में SSC का साइट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे जो न्यू कैंडिडेट रहते हैं उनको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना होता है, जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना होता है उस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास आधार कार्ड है या यस या नो पे क्लिक करें। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, नो पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप्स ऑफ ID में चयन करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही जिनका प्रॉब्लम, यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला प्रॉब्लम आता हो और जो अपने आधार से रजिस्ट्रेशन किए हों और उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड का एक मैसेज शो करता है, तो उस पे नो पे क्लिक करके आप लोग जो है टाइप्स ऑफ ID में चयन करके ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का चयन करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसमें आपको आधार कार्ड नंबर है तो यस पे क्लिक करें, तो नो पे क्लिक करके टाइप्स ऑफ ID पे क्लिक कर लें। ID नंबर कंफर्म, वोटर ID नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस ID नंबर जो भी दिया होगा, नेम आपको भरना होता है, वेरीफाई नेम। नेम आपको जो भरना होता है वह 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना होता है। और वेरीफाई नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज कराया है, यस या नो पे क्लिक करें। फादर्स नेम 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही एंटर करना है, इसमें श्री श्रीमती ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे जो है दिया हुआ है। मदर्स नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, वेरीफाई मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ में 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन, एडुकेशन बोर्ड में आप का जो बोर्ड है वह आपको चयन करना होता है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे आपको मेट्रिकुलेशन 10वीं के सर्टिफिकेट में जो रोल नंबर दिया होता है वो आपको एंटर करना होता है, वेरीफाई पे उसी पे एंटर करना है। ईयर आप पासिंग ईयर, 10th का पासिंग ईयर, वेरीफाई पासिंग ईयर,
उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जो सीजीएल सीजीएल का जो भर्ती होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का चयन करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही इस्तेमाल करें जो आपका चालू हालत में हो, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी जाता है, ओटीपी जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन के समय। तो इस प्रकार करके आप सेव बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करेगा, जिसमें आपको प्लीज कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटेड द फॉर्म, ऐसा एक मैसेज शो करेगा जिसमें ओटीपी जाता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, इसलिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म बटन और कैंसिल बटन का दो बटन दिखाई देगा, जिसमें आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना होता है। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का मैसेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, जिसमें आप यदि 14 दिन के अंतर्गत जो है आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है और ओटीपी जाता है, यदि उसको आप एक्टिव नहीं करेंगे तो 14 दिन के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो इतना किया हुआ है वो डिलीट हो जाता है। आप अपने इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर ऑफ योर ईमेल का चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी इनबॉक्स में ना जाके स्पैम फोल्डर में जाता है। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा, इसे आप नोट करके रख लें, ये आपको मेल पे भी चला जाता है। यहाँ पे देखिए दिखाया 14 डेज फीडिंग विच योर डाटा विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, एक्टिवेट नहीं करेंगे तो 14 दिन के अंदर जो है आपका डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। जो आप रजिस्ट्रेशन के समय ईमेल आईडी फिलअप करते हैं उसमें आपको इस प्रकार का एक मेल क्या होता है portal.ssc, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा योर SSC रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, और साथ में पासवर्ड भी दिया हुआ है। इसको जो है आपको SSC के होम पेज पे यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी हो गया, पासवर्ड को याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको होम पेज पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको पासवर्ड गया था वह पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया हुआ है, यह कैप्चर कोड आपको यहाँ एंटर करना होता है। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आता है उसको एंटर करने के बाद आप जब लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन प्लीज चेंज योर पासवर्ड का एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम, ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आया था उसी पासवर्ड को डालना है, न्यू पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, कंफर्म पासवर्ड आपको डालना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। पासवर्ड बनाने के समय 1 कैपिटल लेटर, 1 स्मॉल लेटर, 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड डिजिट का इस्तेमाल आपको करना होता है। पासवर्ड बनाने के लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम एट कैरेक्टर का होना चाहिए आपका पासवर्ड। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप जब नया पासवर्ड बना लेते हैं तो योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, उस ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, इस पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप SSC के होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वही यूजर नेम होता है, उसको आपको एंटर करना है। पासवर्ड जो आपने अभी नया बनाया है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है कैप्चर कोड, इसको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके
आप जो है अपना पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है यह कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, उसके बाद ही जो है आपका लॉगिन हो पाएगा। तो यहाँ पे इसका एक विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे और नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको टाइप करना है यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर को। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका बेसिक डिटेल्स वाला भाग जो आपने पहले फिलअप किया था वह आपको दिखाई देगा। इसमें आपको एडिशनल एंड कंटेंट डिटेल डालना है, उसके बाद डिक्लेरेशन करना होता है। तो इसमें आपको स्क्रॉल करने के बाद नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको कैटेगरी का चयन करना है, उसके बाद यहाँ नेशनलिटी का चयन करना है, उसके बाद आपका एक पहचान चिन्ह तिल मस्सा जो आपके शरीर के भाग में सामने जो दिखाई देता है तिल मस्सा, वह एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालना होता है। आप पर्सनल डिसेबिलिटी है यस या नो पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे हुआ है उसको आपको फिलअप करना है, स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चयन करना होता है आपको, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम हो तो यस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करेगा, उस पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको टेक ड्राफ्ट प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करना है। यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन दिखाई देगा आपको, इसमें आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक ड्राफ्ट प्रिंट पे क्लिक करके एक बार अपने डेटा को चेक कर लेना है कि आपका सही है या नहीं। यदि आपका सब सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, यदि आपको लगता है कि कोई त्रुटि है तो प्रीवियस बटन पे क्लिक करके आप अपने डेटा को एक बार चेक कर ले, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करें, क्योंकि फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी प्रकार का एडिट या नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार मैं फाइनल बटन पे क्लिक करता हूँ। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का ओटीपी आपके मोबाइल पे और जो ईमेल आईडी आपने दिए होते हैं उस पे ओटीपी जाता है। दोनों में ओटीपी सेम होता है, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। मोबाइल ओटीपी अलग होगा और ईमेल ओटीपी अलग होगा। आप मोबाइल ओटीपी डालकर या ईमेल ओटीपी डालकर, दोनों में से किसी एक को डालकर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार ओटीपी डालने के बाद मैं मोबाइल ओटीपी एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको इस प्रकार का यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देगा और आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको लॉगआउट बटन पे क्लिक करके लॉगआउट हो सकते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपका जो रजिस्ट्रेशन जिस शैक्षणिक योग्यता के आधार पे हुआ है वह आपके प्रोफाइल पे जो है यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे अभी CGL का जो निकला है नोटिफिकेशन, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चलान, पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, डाउट वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट या इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका रजिस्ट्रेशन के समय जो आप डेटा फिलअप किए होते हैं वही आपको यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा फॉर्म का स्टेप दिखाई देगा, किंतु यहाँ पे बहुत सारे डेटा जो है डिसेबल होते हैं। यहाँ पे जो है आपको वही डेटा फिलअप करना होता है जो आपका इस प्रकार का रहता है। इस प्रकार देखिए डिसेबल
क्रॉस का साइन बना रहा है, ऐसे में उस वाले फील्ड को आपको नहीं भरना होता है। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर फिलअप करना है। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद एक सर्विसमैन है या नहीं यस या नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है आर यू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर MOSP, इस पे आपको यस क्लिक करना है। इस पे भी आपको यस क्लिक करना है। वेदर सीकिंग एज रिलेक्शन यस क्लिक करें। कौन सा आपका है STSC, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है वह आपको यहाँ पे एंटर करना है। एज रिलेक्शन कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कौन सा है वह आपको चयन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई देगा, पासेड या अपेयरिंग। यदि अपेयरिंग वाले हैं आप तो आपको सिर्फ स्टेटस में अपेयरिंग क्लिक करना है, कौन से स्टेट से हैं और कौन से आप बोर्ड से हैं। यहाँ पे रोल नंबर परसेंटेज CGPA नहीं डालना होता है। यदि आप पास आउट हैं तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, कौन से स्टेट से हैं, कौन से किस बोर्ड से हैं, रोल नंबर परसेंटेज CGPA था या नहीं वह आपको यहाँ पे चयन करना होता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डू यू हैव पर्सनल इंफॉर्मेशन यस या नो पे क्लिक कर लें। नीचे जब आएंगे तो आपको जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाला इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको 20 KB से 50 KB का फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो है फॉर्मेट दिया हुआ है JPEG JPG, और इसमें जो है डेट जो जिस दिन से SSC का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस डेट के बाद का जो है फोटोग्राफ पे डेट होना चाहिए। इस पे डेट ऑफ विच द अपलोडेड फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, किस डेट को आपका जो नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचाया हुआ है उसका उल्लेख होना चाहिए फोटोग्राफ पे, और उसी डेट को जो है यहाँ पे आपको फिलअप करना है। और यहाँ पे वेदर एज मेंशन इन द सीरियल नंबर 27 इज क्लियरली प्रिंटेड इन द फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको यस क्लिक करना है, क्योंकि आपके फोटोग्राफ पे जो है मेंशन है कि किस डेट को आपका फोटोग्राफ क्लिक हुआ है। उसके बाद जो है आपको यहाँ डिक्लेरेशन आई एग्री पे क्लिक करना है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना होता है। इस प्रकार फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद आपको जो है इस कैप्चर कोड को एंटर करना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो डेटा फिल किए हैं वो अच्छे तरह से फिल किए हैं या नहीं। यदि आपका डेटा सब सही होगा तो लास्ट में नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे एडिट मॉडिफाई और सबमिट बटन के दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। उसके बाद यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, यदि आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो किसी भी प्रकार का एडिट नहीं होगा। इसलिए आपको यदि कोई लगता है कि मैंने डेटा गलत फिल किया है तो एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करके पहले एडिट कर लें, उसके बाद जो है सबमिट बटन पे क्लिक करें। ओके बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जब इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है फाइनल सबमिशन का, तो इस पे आपको क्लिक ओके बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है अभी जो है SSC CGL का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हुआ है इस पे एक सर्वर प्रॉब्लम का इशू है। इसमें जो है फोटो और सिग्नेचर जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद
भी प्रॉब्लम कर रहा है या सबमिट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है मैं यह आपको बताने वाला है। अभी जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है सिर्फ सर्वर प्रॉब्लम के वजह से। प्रॉब्लम यह आ रहा है इसमें जो है बार बार मैं दो तीन बार चार बार जो है यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, किंतु यह सर्वर प्रॉब्लम के वजह से नहीं ले पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में होने के बाद भी जो है यहाँ पे लाइव में दिखा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा है। आई एग्री पे क्लिक करना है। पिछले बार भी जब एसएससी सीजीएल का जब फॉर्म भरा रहा था तो वहां भी सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, और अभी भी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। ये देखिए इस प्रकार का जो है आपको ड्रैग करके नीचे आने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद भी देखिए नहीं ले रहा है। प्लीज बी वेरी केयरफुली, यही मैसेज बार बार कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मैसेज दिखा रहा हूँ जो इशू आ रहा है, इशू यह आ रहा है, योर फोटोग्राफ सिग्नेचर आर मिसिंग, प्लीज अपलोड द रिस्पेक्टिव फाइल्स एंड फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यह प्रॉब्लम अभी आ रहा है एसएससी के साइट पे, तो जब साइट अच्छे से वर्क करने लगेगा तो आप लोग का जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है अभी, आप लोग को जो है ट्वीट करना है ट्विटर पे एसएससी को, ताकि यह जल्द से जल्द प्रॉब्लम का समाधान हो सके। यहाँ पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब भी ये वर्क करने लगेगा साइट तो आपको अप्लाई पे जाके अप्लाई करना है। मैंने पूरा बता दिया है कैसे अप्लाई करना है। उसमें आपको यहाँ पे प्रिंट बटन पे जाके आप प्रिंट ले सकते हैं, और पेमेंट जो आप लोग ओबीसी और जनरल वाले हैं, जो अब पेमेंट ऑप्शन जब सबमिशन हो जाएगा तो पेमेंट ऑप्शन आएगा, तो यह पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके पेमेंट स्टेटस का चेक कर पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके जरूर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अभी साइड वर्क नहीं कर रहा है, फोटो एंड सिग्नेचर नहीं ले पा रहा है, इस वजह से मैं आपको यह वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। किंतु मैंने एक और वीडियो एसएससी सीएचएसएल का मैंने बनाया है, उसमें कैसे अप्लाई करना है बताया है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको देख के जो है अप्लाई करने में यदि दिक्कत होता है तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही इसमें भी मैंने बहुत अच्छे तरह से बताने का कोशिश किया है। इस फॉर्म को मैंने कंप्यूटर में बताया है कि किस प्रकार से भरना है। इसको आपको यदि मोबाइल से भरना है, मोबाइल के माध्यम से यदि भरना चाहते हैं तो आप आसानी से भर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड के टॉप में जो है यहाँ पे दिखाई देता है तीन डॉट बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है डेस्कटॉप साइट ऐसा एक सेटिंग दिखाई देगा, उसमें आपको एड टू होम स्क्रीन के नीचे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद जो है आपका पेज ओपन होगा, जो इंटरनेट पेज वह एकदम बिल्कुल पीसी और कंप्यूटर के वजह के जैसा ओपन होगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। साथ ही आप लोग को यह मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी फॉर्म लगभग 100% में 90% जो है ऑनलाइन आवेदन आप लोग मोबाइल के माध्यम से ही किसी भी प्रकार का फॉर्म भर पाएंगे। फालतू आप लोग कैफे में जाके समय देते हैं और पैसा भी देते हैं, जो आपका बचत होगा, और आप अपने से जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो अच्छे से भर पाएंगे। कभी कभी जो है कैफे वाले या किसी दूसरे से भराते हैं तो कभी कभी गलती हो जाती है, वो गलती से आप बचेंगे। तो इस तरह मैं आपको हर एक जानकारी जो है मोबाइल के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से कैसे फॉर्म भर पाएंगे, यह मैं आपको चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करूंगा।
जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा हर छोटी मोटी जानकारी जो दी जाती है वह आप तक जल्द पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मैं आपको फोटो रिसाइज करने का और अप्लाई करने का और नोटिफिकेशन सारा चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से अच्छी तरह से देख लें और एसएससी सीएचएसएल में अप्लाई कर लें। अभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसमें पूरा कंप्लीट नहीं बता पाया, मैंने एसएससी सीएचएसएल और इसमें भी बताने का भरपूर कोशिश किया हूँ, ताकि आप लोग को अप्लाई करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। थैंक यू।